चलिए देखिए, ये जो डिग्री है ये डिग्री को रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 डिग्री, पहला में 25 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 25 अगुने पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से और ये 36 से, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन हो गया, कितने डिग्री, तो 25 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, तो ये डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, और यहाँ तो मिनट भी है तो मिनट को भी आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 47 डिग्री 30 मिनट को 30/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 × 60 तो -47.12 डिग्री, 47 × 94 95/2 डिग्री हो गया। अब 95/2 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो सीधा सीधी पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। 19 × 95 = 36 × 180, तो 19 पाई माइनस में बटा में 36 × 72, ये आपको रेडियन में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में है 240 डिग्री, 240 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 कर देना है, ठीक है। ये 4 से यानी 6 × 24 और 36 × 18, ठीक है। तो 36 × 18 = 6 × 24, तो ये 4π/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन है 520 डिग्री, 520 डिग्री को रेडियन में 520 अगुने पाई बटा 180, ये और ये कट गया, 9 × 18 26 × 52, तो यहाँ से हो जाएगा 26π/9 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ से 11/16 जो है वो रेडियन है, उसको डिग्री में बदलना है, तो 11/16 को रेडियन को डिग्री में बदलना है, ये 2 का पहला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से देखिए, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा आपको 180/5 डिग्री, तो यहाँ से 180/5 ये डिग्री में आ गया। अब यहाँ से 11/16 गुने 180/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 × 22 2 से 90, अब ये 900, ये 45 से कट जाएगा, और ये 8 × 16 से, अब 45 अठे, तो यहाँ आपको हो गया 7 × 5 = 35 हाथ में 3 और 7 × 28 = 3, इतना डिग्री हो गया। अब ये डिग्री पूर्णांक में आया, पूर्णांक को तोड़ देंगे, 8 से अगर आप भागा दीजिएगा तो 8 से भागा देने पर 8 × 3 = 24, ठीक है। 9 × 7 = 5 = 75 × 8 = 72 = 39 डिग्री 3/8 डिग्री। अब ये 3/8 जो आया ना, उसको डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना हो जाएगा, तो 39 डिग्री, और यहाँ से 2 × 8 15 × 7 15 × 45/2 मिनट हो गया। अब यहाँ से 39 डिग्री 45/2 को 22 पूर्णांक 1/2 मिनट करेंगे, तो ये मिनट में और ये आधा मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से सेकेंड से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड आपका आंसर हो गया, कितना, 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। डिग्री में जब ये पूर्णांक में आता है यानी डिवाइड में जो आ गया, तो उसको भागा दे करके डिग्री को मिनट में बदल देते हैं। अगर मिनट में भी पूरा अथी आ जाता है, नीचे जो बचता रिमाइंडर बचता है उसको भी डिवाइड करके सेकेंड में कर देते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया 11/16 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये -4, तो -4 अगुने 180/5, यहाँ से -4 × 180/π = 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 से और ये 11 से, ठीक है। अब ये गुना कर देंगे तो 7 × 14, ठीक है, अने तो 18 × 36 अगुने 7/11, ये डिग्री में आ गया, ठीक है, ये डिग्री में बदल गया, क्योंकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए तो 180/π से गुना किया तो जो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से 0, 7, 6 = 42, 4, 7, 21 = 25, 20/11 डिग्री हो गया। आप भागा देते हैं 11 × 22, ठीक है, 3 × 2 = 11 × 2 = 22, 10 × 110 = 6, तो 11 × 99, ठीक है। जैसे देखिए 11 × 22 तो 3 × 2 = 11 × 22
तो 10 100 11 99 1 बटा 11 ठीक है, ये डिग्री। तो यहाँ से 229 डिग्री 1 बटा 11 डिग्री को मिनट में तो 60 से गुना कर देंगे ठीक है। अब यार 60 से तो यहाँ से 229 डिग्री और 60 बटा 11 का मतलब 11 पच्चे 55 5 पूर्णांक 5 बटा 11 यहाँ से 229 डिग्री 5 मिनट 5 बटा 11 को मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से 60 पंचे 300 बटा 11 हुआ तो 229 डिग्री 5 मिनट और 300 बटा 11 को यानी 300 बटा 11 हुआ तो 11 दूना 22 ठीक है, तो 8 011 77 लगभग इतना सेकेंड हो जाएगा ठीक है। ये आपको आंसर हो गया। अब जैसे में ये 5π/3 है तो 5π/3 को डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से गुना कर देंगे डिग्री में आ जाएगा ये, और ये कैंसिल, ये 60 से 60 पंचे 300 डिग्री हो जाएगा। ये आपको थर्ड क्वेश्चन था, ये सेकेंड था ठीक है। हाँ ये सेकेंड था। फोर्थ है 7π/6, 7π/6 को डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से पाई और पाई चला गया, 6 3 से 7 21 210 डिग्री हो जाएगा ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक चक्का है, ये चक्का है ठीक है, वो 1 मिनट में 360 बार रिवोल्यूशन होता है ठीक है, 1 मिनट में ठीक है 360 बार रिवोल्यूशन मतलब नचता है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना बार टर्न होगा, कितना रेडियन टर्न होगा। सबसे पहले 60 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं, 60 सेकेंड में 360 बार रिवोल्यूशन होगा तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360/60, मतलब कितना बार 6 रिवोल्यूशन होगा, कितना सेकेंड में 1 सेकेंड में। तो अपने आप में ये पहिया जो व्हील होता है वो 2π/1 डिग्री बनाता है, तो 6 बार नचेगा यानी 6 बार रिवोल्यूशन होगा तो 6×2π कितना 12π वो डिग्री बनाएगा रेडियन में, 1 सेकेंड में 12π रेडियन डिग्री बनाएगा ठीक है। उसी प्रकार चार नंबर जो क्वेश्चन है डिग्री मेजर सबटेन द डिग्री निकालना है सर्कल ऑफ रेडियस जो इसका है 100 सेंटीमीटर है ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ मतलब L=22 सेंटीमीटर है, इसका जो डिग्री निकालना है वो निकालना है डिग्री में निकालना है एंगल, तो यहाँ से θ = L/R होता है, यहाँ से L का मतलब 22/R का मतलब 100, तो इसको 22/100 जो आया ना तो ये रेडियन में, और कभी भी ये θ = L/R होता है ना आंसर रेडियन में, लेकिन आप इसको डिग्री में बदलिएगा तो 22/100 और डिग्री में बदलने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं ठीक है, सॉरी ये रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं 180/π से गुना करते हैं पाई से ठीक है। तो यहाँ से 22/100 × 180/π = 22/7 चला जाएगा, ये कट गया, ये और ये कट गया ठीक है, यहाँ 5 से कटेगा और ये 9 से कटेगा, 9 7 63/5 डिग्री होगी ठीक है, क्योंकि आपका आंसर इतना ही तक हुआ ठीक है, वो रेडियन में था लेकिन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, इससे पहले बार यानी बताया है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से गुना करते हैं, तो 180/π से गुना कर दिए और पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये 63 कट कुट करके 63/5 तो 12 5 60 12.3/5 आया, तो यहाँ से 12 डिग्री ठीक है 3/5 को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना हो जाएगा, तो 12 डिग्री और 12 5 12 3 36 मिनट हो जाएगा, हो ना 12 5 12 3 36 तो 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। पांच नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है इन ए सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20,
जैसे ये डायमीटर हुआ था, ये 20 हो गया, ठीक है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, तो माइनर और कफ यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब जीवा दिया हुआ है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी तो सर्कल का रेडियस है, तो ये 20, तो ये भी 20, ये भी 20, और लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब ये 20 दिया है जीवा, ठीक है, जैसे में ये जीवा 20, देखिए तो ये अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना क्या, तो ये एंगल थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल बाय आर, तो थीटा ये जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका डिग्री कितना होगा, पाई बाय थ्री बनाएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है, तो एंगल कौन 60 डिग्री, तो थीटा ये जो रेडियन में होता है तो 60 डिग्री को लिखेंगे रेडियन के फॉर्म में, पाई बाय थ्री, और एल, एल जो है इसका निकालना है, ये निकालना है चाप की लंबाई, तो एल आर कितना 20, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, एल इक्वल टू हो जाएगा 20 पाई बाय थ्री, चाप की लंबाई है वो निकल गया, ठीक है। सिक्स नंबर वही प्रकार क्वेश्चन है, टू सर्कल, दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, इसका लेंथ जो है एक लेंथ में डिग्री 60 डिग्री है और एक का 75 डिग्री है, ठीक है, एक का 60 डिग्री, एक का 75 डिग्री, तो ये सर्कल का अनुपात निकालना है, ठीक है, एक सर्कल का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले ये जो अनुपात निकालना है, लेकिन इसका जो आर्क ऑफ लेंथ सेम है, मतलब ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है, तो इस सर्कल के लिए थीटा इक्वल टू जो होता है एल बाय आर, तो थीटा ये 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय थ्री इक्वल टू एल बाय आर वन, मतलब ये आर वन और ये आर टू रेडियस हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये जो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए आर वन बराबर हो जाएगा, क्योंकि तो रेडियस का अनुपात आर वन ही होगा, त्रिज्या का अनुपात आर वन निकालेंगे, तो आर वन बराबर हो जाएगा 3L बाय 5। अब इस सर्कल के बारे में चल रहे हैं तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुना करेंगे और एल बाय आर, अब बोलिएगा इसमें तो ये 60 डिग्री को पाई बटा 180 से गुना किया तो पाई बाय 3 आया, अब ये 15 25 75 36 5 180, ठीक है, 12 3 36 5 15, 5 पाई बटा 12 बराबर में L तो सेम था R का मतलब R2, अब यहाँ से R2 बराबर निकालेंगे तब 12 L बाय 5 पाई हो जाएगा, अब रेडियस का अनुपात निकालना है तो यहाँ से देखिए R1 बाय R2 निकाल रहे हैं, R1 बाय R2 यही तो अनुपात होगा, तो R1 का मान 3 L बाय इसको और इसको बट्टा में कीजिएगा तब पाई और पाई कैंसिल, यानी ये चार दिया, ये देखिए 3 L बाय पाई R1 का मतलब, और इसका कितना 12 एल बाय पाई 5 पाई, ये और ये कैंसिल, और देखिए तो ये और ये 4 से ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5:4, ये रेडियस का अनुपात हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर पूछ रहा है, एक फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग द इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड दी टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ, जहाँ आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंगल निकालना है। अब ये 7 का जैसे फर्स्ट है, जहाँ पर ये एक पेंडुलम है, ये घड़ी का एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर, तो मतलब आर का मान 75 हो जाएगा, आर बराबर 75 सेंटीमीटर, जिसका आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 10, ठीक है, तो 10 दिया है तो थीटा, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो एल बाय आर का मतलब 10/75, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75, मतलब 2/15 रेडियन आंसर आ जाएगा, 2/15 रेडियन,